वाह आ गई आवाज. और अच्छा जब तक मैं गेस्ट को ऐड नहीं करती हूँ ना तो वॉल्यूम आता ही नहीं है. तो ओके अच्छा ये भी बहुत शाना है इंस्टाग्राम, वो भी कहता है पहले गेस्ट आएगा तब हम आवाज बाहर बिठाए. इट्स एंड एवरीबॉडी इज राइटिंग इट्स बैक आ बैक, क्या गई बात है आ क्या गई बात आ गई. है, और लोग भी आ देखो गए। मजे, अरे एक एक सेकंड लगता है. देखो एवरीवन इज योर लुक अप, या। देखो नंबरिंग फट 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 अच्छा आ वो जाते हैं. नंबर भी आता है, अच्छा वो हाँ जी वाह वाह सब आ ओके। जाते हैं. आप तो इंस्टाग्राम के मतलब प्रो हो गए हैं एकदम। थोड़े से नाम अच्छा पढ़ोगे पहले तो, बिफोर यू रीड नेम, मैं पहले तो आप दिल से पिताजी को प्रणाम कि इतनी रिफ्रेशिंग कंपोजिशन मुझे भी लगे. लेकिन मैं कुछ नाम नीचे मैंने पढ़े थे जिसमें से कि रोंकनी ने और प्रतिभा, सॉरी कल्पना ने, दोनों ने लिखा व्हाट अ रिफ्रेशिंग कॉम्पोजिशन, बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है. तो उनको प्रणाम पिताजी को कि आप कितने लकी हैं कि आपके फादर आपको ये खजाना देकर गए हैं, और मैं भी ऐसे ही फील करती हूँ क्योंकि म्यूजिक में तो नहीं लेकिन और बहुत सी चीजें खजाने के रूप में मेरे भी फादर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी जाने के पहले मुझे बहुत तैयार करके गए हैं. क्योंकि स्पेशली जो बात करने का अंदाज है या बहुत सारी चीजों के बारे में जानना, मैं उनके साथ घंटों बैठती थी बातें करती थी. तो ही वॉज अ प्रीस्ट, वो पुजारी थे और देखिए कथा करते मेरे थे. भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग यहाँ पे है, दिख रहा है मुझे तो उनको बताइए ना आपका भी थोड़ा सा कहानी, हल्का सा उनको भी पता मेरा लगे। कहानी. मैं वैसे तो आती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, फिर आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हेयर ऑन माय स्टोरी. छोटा सा मेरे फैन छोटा फॉलोइंग सा है कि ज्यादा है। मैं छोटी हूँ घर में सबसे. हम वी आर 7 ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें कि अभी एक ब्रदर डेथ हो चुकी है, दो भाई और हैं, तीन बहनें और हैं. आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली. और मेरे पिताजी जो थे वो पुजारी थे और उन्हीं से मैंने म्यूजिक की शुरुआत की सीखने की, भजन वगैरह गा के मैं बड़ी हुई. और उनके साथ मैंने घंटों बिताया क्योंकि वो कथा करते थे, पुजारी थे, तो बहुत अच्छी कथा करते थे, जानकारी बहुत बहुत ही लर्नेड इंसान थे. तो मैं उनके साथ बैठती थी तो ये सब ज्ञान मुझे उधर से ही मिला है, स्पेशली संस्कृत का. जैसे मैं मुझे बहुत शौक था श्लोकों की जानकारी लेना कि इस श्लोक का क्या मतलब है, इस मंत्र का क्या मतलब है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था. तो मैं उनके साथ बहुत बैठती थी. तो आप भी, आप जब अपने पापा की बातें बता रहे थे कि ये उन्होंने उनकी कॉम्पोजिशन, मुझे रिमाइंड कराया वो पुरानी सारी मेरी चीजें कि मेरे फादर मुझे ये सिखाते. तो वी आर ऑल लकी, जो जिनके मॉम डैड साथ हैं वो तो सुपर लकी हैं, लेकिन सारी जिंदगी सब साथ नहीं होते हैं. तो जिनके मॉम डैड उनके साथ नहीं है उनको वो वैसे लकी माने कि वो कुछ ना कुछ आपको एज ए गिफ्ट, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा खजाना दे के जाते हैं और जो दुनिया में आपको किसी और से मिल ही नहीं सकता. सो चेरिश दिस और जल्द से जल्द ये कॉम्पोजिशन को रिकॉर्ड करें. और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बड़े लेवल पे ये बाहर आनी चाहिए, इट शुड बी थैंक आउट यू, सून. कोशिश करेंगे अब कुछ एक्चुअली। नाम आप पढ़ लो, मैं तो बहुत पढ़ लूंगी. हाँ पापोंगरा माजुली से, माजुली इज द वन ऑफ द बिगेस्ट, इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। वहां पे बहुत बहुत यू मस्ट गो, वहां पे अलग ही है वैष्णव धर्म का, और मिसिंग अलग अलग लोग रहते हैं, बहुत अमेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां से आइलैंड से आया है मैसेज। अरे वाह. हाँ तो कोई दीपक पंडित जी अच्छा दीपक जी बंदर सर, दीपक जी जी सर, वेलकम दीपक. दीपक प्रणाम, जी पाँव दिखाइए, पाँव किधर है। ये मेरे पाँव अच्छा हैं. अच्छा चलो चलो, आप हाँ अपने छू लो क्या। अच्छा पंडित दीपक जी क्या, पंडित जी एवरी डे इज यहाँ. बड़ा अच्छा लगता है कि ये ऋचा शर्मा का ये जो सुरीली चाय ऑफ ऋचा शर्मा जो है ना, ये एक परिवार बन गया है, इट्स लाइक अ फैमिली. और यहाँ सब शाम को इकट्ठे होते हैं, अपना अपना चाय का कप लेके बैठते हैं और साथ में हम लोग यहाँ भी चैट भी करते हैं और गाने भी गाते हैं. पंडित जी चाय का सो टाइम है अभी भी क्या? एनीवे हाँ तो मैं ही बोल मेरे रहा चक्कर में था। पीना पड़ता है. तो मैं बोल रहा था पंडित जी का, हाल ही में मैंने ऐसे लिखा था कहीं रात को, एक इंस्टा स्टोरी किया था, उन्होंने उसको सीरियसली लिया और मेरे लिरिसिस्ट का मुझे क्रेडिट देते हुए उन्होंने रात को गाया गाना ट्विटर में। आपने सुना क्या कि कौन रणजीत सा? सिंह सही बर्तन धोने के लिए तो यस आई हर्ड इट. बहुत बहुत ही बदमाश है पंडित जी, बट पंडित जी थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग बट व्हाट अ ब्रिलियंट हमेशा। म्यूजिशियन ही इज, क्या वायलिन प्ले करते हैं, जादू करते हैं, अमेजिंग जादू जादू, सब जादू जादू कर करते हैं मतलब वो. सब जादूगर ही निकले और हमारे पढ़ लीजिए. दोस्त। हाँ और तो इसीलिए दोस्त हैं. ओरिजिनल तानिया को हाय,
मिस्टर पति पति तो अजीब, बहुत टफ टफ नाम भी रखा है लोगों ने अपना, हाँ, आनंद जीप दानिश, नोटी द आनंद बॉय, आशीष, आनंद आशीष, दिस सेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन टिल नाउ, क्या बात, आनंद आशीष सेइंग. क्या बात है आशीष, आनंद जी, आशीष जी आनंद आ गया तो ये पुलकित म्यूजिक साहब बहुत लिखते, संगीता शी, आई नो संगीता, ये संगीता मेरे सिंपल फैन एंड क्लब के बच्चा अच्छा पार्टी है. पुलकित इज फ्रॉम माय फैन क्लब और एंड मेनी फैन क्लब. रिचा शर्मा की दीवानी, रिचा जी वॉइस. अरे हाय दीदी अभी भी बोल रहे हैं लोग, हाय पापोंडा, हाय दीदी, अरे, हम तो कब से बुल्लेया हाय बोल बुल्लेया फ्रॉम चुके. सुल्तान अब हो जाए, थोड़ा बुल्ला हो जाए. है। तो ये गाना लेकिन एक्चुअली लिखा था आज के दिन के लिए, आजकल के दिन के लिए था वैसे ओरिजिनली। अरे इन्होंने वाह, आज इन्होंने कहा है कि कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है, जो आजकल का सीन है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग. इरशाद कामिल साहब ने लिखा है, विशाल एंड शेखर जी ने म्यूजिक किया है, बहुत खूबसूरत गाना है। तो तालियां फॉर द म्यूजिक डायरेक्टर एंड द राइटर बोथ. उन्होंने अर्ज किया कि कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता वाह, बहुत है ना, अच्छे, करेक्ट. एकदम पूरा माहौल आजकल का जो उसके ऊपर भी है। कुछ रिश्तों का नमक, सॉरी बजा के नहीं गाता हूँ ना, आदत नहीं, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिले ना भी बहुत, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, मिल गया. बहुत जरूरी होता है। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम मिले, पर ये मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले सा सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं, सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्लेया, मैं भी नाचूं रे जाऊं, सोने यार को चलूं ना करूं ना परवाह बुल्लेया, मेरा हर दम तू मेरा हर दम तू मेरा हर दम तू मेरा हर दम तू मेरा महरम मरहम तू मेरा दम दम हर दम तू मेरा हर दम तू मेरा हर दम तू, माना माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब जो है आधा वो ही जिंदा है, बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज खत्म हो, दिल ये मेरा वही परिंदा है, बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, तू बोले तो बन जाओ मैं बुल्ले सा सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं, सुने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्ले मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा हर दम हर दम तू मेरा हर दम तू हर दम तू मेरा हर दम हर दम तू मेरा, वाह, थैंक यू, मजे आ गए।
मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये अलग अलग घर में हम क्यों बैठे ऋचा हुए दीदी हैं। ऋचा ओ दीदी सुपर हाय आवर डांसिंग क्वीन लिखा है पुलकित जी ने. हाँ तो मेरे को कौन रोक सकता है, अभी तो मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, कोई नहीं है मुझे यहाँ रोकने वाला। मैं लॉकडाउन में हूँ, दिल खोल के डांस करूंगी, दिल खोल रोकता के ऐसे गाऊंगी। कोई अभी कोई रोकता है तो कब अभी कभी रोकता है तो कौन रोकता है वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ. कोई नहीं रोकता है ना, कभी कोई रोक क्योंकि पाता मैं है ऐसे जैसे काम ही नहीं आपको? करती कोई मुझे रोके। नहीं रोक पाता. मैं ऐसे आय काम नहीं करती आय कोई कि कोई चलो रोके। ठीक अच्छा थोड़े से नाम पढ़ लो, खुश हो है. जाएंगी सारी जनता यहाँ पे। हाँ ऋचा शर्मा सिंगर वो तो आप ही है शायद. एक और है ऐसे नहीं मेरे और लिए आप पढ़ो, ही के वो फैन छोड़ है दो अभी, ये तो. बच्चे बहुत शैतान है, मेरे फैन क्लब वाले ये बहुत शैतान है, सबको मिशन प्यार दे दो बस। ऋचा जॉन जी बोल शर्मा रहे हैं मोमो के धागे गायब. मिशन जी हमने तो मोमो खा लिया आप लेट आए हैं है ना. तो अभी मधुमिता दीदी. अच्छा दीदी ऋचा जी को कुछ बोला है मेरे दीदी मतलब कहते आपके दीदी हैं। हैं म्यूजिक के तो कोलकाता है. ऋचा जी इज ऑल्सो अमेजिंग. अरे तो मतलब मैं भी हूँ. चलो हाय ठीक थैंक यू सो मच, मैं सोच रही थी हाय है. सब पापोन पापोन कर रहे, बेइज्जती मत करो, थोड़ी मेरी भी तारीफ करो। क्या पागल है आप. तो सलमान से बोलते बिहू प्लीज अच्छा मेरी घिमिरे. दीदी आज मतलब सालों में इंस्टाग्राम खोली होगी, मैं तो हैरान हूँ उसको देख के। रेनू दीक्षित इतनी सारी ना, लिखना विखना तो उनको आता नहीं ये सब चलाना, लेकिन इमोजीज डाल दी बहुत सारी हार्ट्स वाली। हाय क्या बात है दीदी. कभी हमारे लिए भी आ जाओ बहन। हाय अच्छा कैश मेक अस. अच्छा आप बोलिए कैश अच्छा मैं मेक. आपके लिए पढ़ रही हूँ, कोई है आदर्श गज, आदर्श गज पापोन सर जिए क्यों, जीते रहो जीते रहो. ये तो हम गा बताइए. चुके, ये तो गवा चुके हैं। और कैश कैश मेकअप हमारी हेलो बोल रही हैं, हाँ बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। ओके कौन हाय मेरा क्या तू लागे, हाय. ऋषभ भारद्वाज ऑफिशियल सेइंग, कौन मेरा क्या तू लागे, वाह खूबसूरत ये गाना है गाज वो. तो दो हो मैं जाए दोनों ना। गाने गा लूंगा. मैं हाँ भूल हाँ गया हूँ भैया ऐसे जितना आता है उतना ये. गाओ, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी. हाँ एमएम प्रेम साहब ने म्यूजिक किया है. बहुत खूबसूरत स्पेशल 26 का गाना है. तो आई थिंक क्या मेरा तो दिमाग खराब है. मनोज जी ने लिखा है मुंतासिर साहब. कौन मेरा क्या तू लागे क्यों तू बांधे मन के मन से धागे बस जरे ना क्यों मेरा तेरे आगे कौन मेरा क्या तू लागे क्यों तू बांधे मन से मन के धागे